बेटियों के मन में मुद्दे, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले गोविंदपुरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। उन्होंने जनता से कहा, हर घर नर्मदा का पानी पहुंचे और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। गोविंदपुरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला ने भाजपा प्रत्याशी पर गोविंदपुरा विधानसभा में विकास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 50 सालों से एक ही परिवार राज कर रहा है। जो बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, वो गोविंदपुरा में खुद परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। गोविंदपुरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर आज भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और इस विधानसभा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ना ही क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। उन्होंने कहा, मैं विजयी होने के बाद सबसे पहले हर घर तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम करूंगा। देख रहे हैं ना आप, जमीन पर रहकर आप मीडिया से तो वाइट लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, बेरोजगारी चरम पर है, सड़कें इसलिए नहीं बन पाई कि जितने पूरे सराउंडिंग क्षेत्र में इनने पैसे ले ले, कमीशन ले लेके अवैध कॉलोनी को विकसित कर दिया, उसकी वजह से क्षेत्र तक विकास पहुंच ही नहीं पाया। और फिर विकास किया नहीं, क्योंकि पहले अवैध कॉलोनी रही थी तो BHL का जो विकास होता था उसे भाजपा अपना विकास दिखाती थी। हम पूरी कॉलोनी अवैध कराएंगे, सरकार की सुविधाएं जितनी जनता तक पहुंचाएंगे, यही हमारा संकल्प है। सरकार हमारी बन रही है, कभी जनता ने जनादेश दिया तो हम गोविंदपुरा भी जीतेंगे। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रहा है तू, हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।